प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, पता नहीं कौन है क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान, और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक युवक है, और उस युवक को जो दौरा बोलते हैं, मिर्गी का दौरा, वो है, हाथ पैर पूरे जकड़े हुए हैं, और ये पिछले आधे घंटे से पानी के अंदर पड़ा हुआ था। हमें किसने सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे, एक भाई हमारे हैं, उन्होंने सूचना दी, इसको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन इसकी हालत बेहद ज़्यादा कमज़ोर थी और बेहद ज़्यादा खतरे में था ये युवक। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यूपी के लोनी अस्पताल है, उन लोगों ने इनको दिल्ली रेफ़र कर दिया, लेकिन दिल्ली ले जाते शायद इनकी मौत हो जाती। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी एक बच्ची की वीडियो में भी कहा था, उसमें भी ऐसे ही कंडीशन थी। हमने तुरंत देर ना करके इस युवक को लोनी के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद, ट्रीटमेंट के बाद ये होश में आ पाया युवक। और बस हमने एक छोटी सी कोशिश करी है, कुछ तो पैसा हमारा खर्च हुआ, लेकिन मैं बेहद खुश हूँ कि इस छोटी सी कोशिश से ये जो युवक है ये ठीक हो पाया, अपने बच्चों में जा पाया। और इसकी माली हालत इतनी कमज़ोर थी, जब इनकी बीवी हमारे पास आई, हमने कहा कि आप हॉस्पिटल का पेमेंट कर दीजिए, तो रोने लगी कि बोलने लगी, मुशाहिद भाई मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, मैंने सुबह से खाना तक नहीं खाया, और मैं आई हूँ, आपने फ़ोन किया है, हमने नंबर लेके फ़ोन किया था, तो मैं 20 रुपया उधार लेके आई हूँ, और मुझे बेहद अफसोस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी भी मदद की, और जो अस्पताल का बिल था वो भी हमने पेड किया। बस आपसे यही कोशिश है कि ऐसे लोगों की मदद करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर ऐसे लोग, एक्सीडेंटल लोग आपको मिलते हैं तो पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, परेशान होने की कोई बात है, लेकिन आपकी छोटी सी कोशिश से किसी के घर का चिराग बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।